नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। शायद ही कोई भारतीय हो जिसने चाय का स्वाद ना चखा हो। ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि चाय भारत में 750 ईसा पूर्व से ही पी जाती है। 16वीं शताब्दी में एक सब्जी पकवान भी तैयार किया जाता था। लहसुन और तेल के साथ चाय की पत्तियों का उपयोग करके कोई व्यंजन तैयार किया जाता था। हालांकि चाय के पुनर्विकास का और व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। हालांकि इसकी 70% से अधिक चाय की खपत भारत में ही हो जाती है। 2017-18 में चाय का उत्पादन तकरीबन 1325 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गया। उत्तर भारत में लगभग 1090 मिलियन किलोग्राम का उत्पादन किया गया था और 234 मिलियन किलोग्राम दक्षिण भारत में उत्पादित किया गया था। भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। चाय उत्पादन, प्रमाणन, निर्यात और चाय के व्यापार के अन्य सभी पहलू भारतीय चाय बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रति व्यक्ति चाय उपभोक्ताओं में भी शीर्ष 5 में शामिल है। आइए मैं आपको असम की एक चाय फैक्ट्री में ले चलता हूँ। देखिए चाय का उत्पादन कैसे होता है। मूल रूप से यह हरी पत्ती जिसे कल खेत में काटा गया था, ये पत्ते यहाँ रखे गए हैं। यह जालीदार फर्श है जहाँ से हवा को अंदर या बाहर निकाला जा सकता है। यह पहली प्रक्रिया वेदरिंग है। इस प्रक्रिया में मूल रूप से बहुत धीमी प्रक्रिया में नमी को हटा दिया जाता है, जो लगभग 8 से 16 घंटे लगते हैं। लगभग 100 किलोग्राम ताजा पत्ते जब यह 70 किलोग्राम हो जाता है, यानी 30 किलोग्राम नमी सूख जाती है, तो यह आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार होता है और वे थैलियां अंदर जा रही हैं। 1 घंटे के बाद वे नीचे आ जाएंगी और इन पत्तियों को भी उठाएंगे। पत्तियों को इन थैलियों द्वारा ले जाया जाता है। पंखा दोनों दिशा में चल सकता है, इसलिए जब और जितनी आवश्यकता हो हम हवा को बाहर या अंदर फेंक सकते हैं। बरसात के मौसम में वो पीले रंग की पाइप लाइनें हैं जिनमें प्राकृतिक गैस है। जब भी हवा की जरूरत होती है तो हम पंखे के सामने बर्नर लगाते हैं। सामान्य रूप से ऐसा ही है। देखिए यह पहली प्रक्रिया है। यहाँ हम एक यांत्रिक शिफ्टर में पत्तियाँ डाल रहे हैं, जहाँ किसी भी लोहे के कण को एक चुंबक द्वारा अलग किया जाता है और धूल के कणों को भी यहाँ अलग किया जाता है। पत्तियाँ एक इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित कन्वेयर बेल्ट पर गिर रही हैं।
यह सीटीसी रोलर प्लांट है जो पत्तियों को कुचल रहा है। पत्तियों को कुचल दिया जाता है। सीटीसी मशीन जो मुख्य रूप से पत्तियों के फाड़ने का काम करती हैं, जो छोटे कणों में बदल जाती हैं। पत्तियों को बहुत छोटे आकार में काटा जाता है। अब पत्तियों को इसे आकार देने के लिए कर्ल किया जाना है। सूख रही है। देखिए पत्तियों का यह दानेदार रूप। मूल रूप से यह यहाँ तक की यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें हमें सीटीसी चाय की आवश्यकता होती है, यानी काटना, फाड़ना और सुखाना। यह प्रक्रिया यहीं तक पूरी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाय का रंग हरा है। यहाँ से पत्तियों को एक प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसे किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है, जिसमें रंग और स्वाद विकसित किया जाएगा। आप सूंघ सकते हैं, अजीब सी गंध आ रही है। यह प्रक्रिया क्या है? यह आप देख सकते हैं। आमतौर पर यह एक फर्मेंटेशन मशीन है। जो पत्ते यहाँ गिर रहे हैं हरे रंग में, ये सुरंगें या टनल है। हम बाहर की ताजी हवा नीचे से बहा रहे हैं और जो ऑक्सीजन से भरपूर है। बाहर की हवा, हाँ, ऑक्सीजन की मौजूदगी में बदलाव आ रहा है। यह रंग भूरा हो गया है, सूंघा जा सकता है। अब गंध बहुत कम है। एक मीठी सी सुगंध आ रही है। ब्लोअर हवा ले रहा है, ठंडी और गर्म, फिर दोनों को मिक्स कर रहा है। जैसे जैसे चाय सूखती है वो आगे बढ़ रही है। अब चाय की असली गंध महसूस कर सकते हैं। और आखिर में चाय तैयार है।
यह मूल रूप से ग्रेडिंग प्रक्रिया है, है ना? हाँ, यह स्क्रीनिंग प्रक्रिया पौधों के बेकार छिलके आदि को हटाने और चाय को अलग अलग साइज में करने के लिए होती है। चाय को तीन श्रेणियों में अलग किया जाता है, जैसे एक फर्मेंटेड चाय है, एक अर्ध फर्मेंटेड है और एक फर्मेंटेड है ही नहीं। फर्मेंटेड चाय किसी भी चाय की तरह होती है जो इस रंग की काली होती है या जो परंपरागत चाय होती है। आप CTC फर्मेंटेड चाय या परंपरागत फर्मेंटेड चाय ले सकते हैं। ग्रीन टी फर्मेंटेड होती है या आधी फर्मेंटेड? ग्रीन टी आधी फर्मेंटेड चाय है। अन्य चाय भी हैं जो फर्मेंटेड नहीं होती हैं। आमतौर पर बड़े पैमाने पर उपभोक्ता फर्मेंटेड काली चाय पसंद करते हैं। दार्जिलिंग की चाय भी आंशिक रूप से फर्मेंटेड काली चाय होती है, क्योंकि वहां अनेक प्रकार के चीनी किस्म के पौधे हैं जो अधिक सुगंधित चाय देता है, परंतु इसका उत्पादन बहुत कम होता है और कीमत लागत के हिसाब से देखें तो 1 किलो चाय के लिए 5 किलो पत्तियों की आवश्यकता होती है। कम से कम ज्यादा ब्याज पर भी विचार करें तो पत्तियों की कीमत 20 से 24 रुपए प्रति किलो आती है। हाल ही में जाहिर है इतना हो जाता है क्योंकि यह 24 रुपए किलो था। इस तरह 120 रुपए कच्चे माल की लागत है, 20 से 25 रुपए चाय बनाने में लग जाता है। लाभ मार्जिन नुकसान आदि को मानकर यह 180 से 200 रुपए प्रति किलो का हिसाब होता है। इस तरह की चाय फैक्ट्री माल खरीदने वाले कारखाने के रूप में जाना जाता है। इस तरह के कारखाने का मतलब है कि हम गांवों से कच्चा माल खरीद रहे हैं और फिर चाय बना रहे हैं। पत्तियां विभिन्न जगहों से आ रही हैं। पहली समस्या हमारे लिए क्वालिटी को कंट्रोल करने की है, जो बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी समस्या यह है कि चाय एस्टेट स्वयं के चाय उत्पादन करने के बावजूद बाहर के गांवों से हरी पत्तियां खरीद रहे हैं। इसके अलावा वे हमसे कंपटीशन भी कर रहे हैं। हम छोटे उत्पादकों पर 100% निर्भर हैं, जबकि चाय एस्टेट के मालिकों के अपने चाय के बागान हैं और चूंकि उनका स्वयं का उत्पादन कम हो गया है इसलिए वे बाहर से पत्ती खरीद रहे हैं। हम गांवों में कम मात्रा में उपलब्धता की समस्या का सामना कर रहे हैं। कभी कभी
बहुत कम मात्रा मिलने के कारण, जो कि आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। हमारी चाय सबसे ज्यादा बिकती है, क्योंकि इसे खरीदे माल से बनाया जाता है, इसलिए सस्ती चाय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो हमें बाजार में थोड़ी कम कीमत मिलती है। ये वे समस्याएं हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। बिजली सप्लाई कैसी है? बहुत असुविधाजनक, लेकिन यह बहुत अनिश्चित है। पिछले साल स्थिति बेहतर थी, लेकिन इस साल मुझे लगता है कि बिजली की कमी है। आपको कितनी प्रतिशत बिजली मिल रही है? अगर यह 50-50 है तो हम इसे अच्छी स्थिति मानते हैं। कभी कभी पूरे दिन बिजली सप्लाई नहीं आती, और कभी कभी आपूर्ति और कटौती इतनी ज़्यादा होती है कि हर आधे घंटे में हमें कारखाने को बंद करना पड़ता है और फिर दोबारा से शुरू करते हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग टाइम को कम कर देता है।